हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिजाइन को आप जेंट स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, बच्चों के स्वेटर, गर्ल्स फ्रॉक, टॉप, कुर्ती, शॉल किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती है। ये डिजाइन सब में बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर के 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, तो आपका ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब 12 के मल्टीपल देखिए कैसे करने होते हैं। 12 फंदे गिन लीजिएगा, 12 गिन लीजिएगा, फिर से 12, फिर से 12, और लास्ट में आपके 3 बचे, तो ये डिजाइन इस तरह से सेट हो जाएगा। ये डिजाइन हमारा सीधी सिलाई पर शुरू होता है। किसी भी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इस तरह से उल्टी सिलाई पर बढ़ा लीजिएगा और सीधी साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 27 फंदे लिए हैं, 12 दूनी 24 और उसमें 3 फंदे प्लस किए हैं, तो 27 फंदे। सीधी साइड से हमारी डिजाइन की पहली सिलाई शुरू होती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उल्टी उल्टी 2 सिलाइयां बनाई हुई, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने से पहले आप बॉर्डर वगैरह बना लीजिएगा और सीधी साइड से इस डिजाइन को शुरू कीजिएगा। 10 सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। पहली सिलाई है तो देखिए कैसे बनेगी। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 ये वाला और 1 ये वाला, आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 बना देंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे के 1 जाली इधर बनानी है और 1 जाली इधर बनानी। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बना देंगे, तो यहाँ हमारी जाली हो गई। धागा अपनी तरफ कर लेना, ये वाला फंदा इस तरह से लेकर पलट के पहले सीधा कर देना, धागा अपनी तरफ रहे। अब ये पलट के सीधा किया हुआ और एक ये उल्टा, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है और जब इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो हमारी 1 जाली यहाँ आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब धागा वापस पीछे कर लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके अब इस फंदे के 1 जाली यहाँ और 1 यहाँ बनेगी, तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बना देंगे, तो यहाँ हमारी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ घुमा लीजिएगा और इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है, जब इसको सीधा बनाया तो 1 जाली हमारी यहाँ आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके आपके जितने भी फंदे हों आपको इस तरह से सेट करते हुए जाना है। बीच में आपके 7-7 फंदे उल्टे आएंगे और ये जो जाली वाले हैं इनको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया और यहाँ दिखाया। और लास्ट में आपको देखिए इस तरह से ये 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाएगा इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर जो फंदे हमने यहाँ उल्टे बनाए हैं वो यहाँ सीधे हो जाएंगे और जो सीधे हैं वो यहाँ उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए इधर जितने भी फंदे आपके सीधे हों वो आप यहाँ उल्टे बना दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। धागा पीछे, अब 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। धागा पीछे और लास्ट के 5 फंदे सीधे। तो दूसरी सिलाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाएगा इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई देखिएगा कैसे बनेगी। ये जो 5 फंदे उल्टे हैं इनमें से अब हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा अगर आपको उतारने की आदत हो तो आप उतार सकती हैं। देखिए 1 और ये 2, 3,
और ये चार। अब धागा पीछे कर लेंगे, ये वाला उल्टा और ये वाला सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। अब देखिए ये जो जाली से फंदा हमारा बना है इसे हम पहले सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करके ये वाला जो फंदा है जहां हमने फर्स्ट लाई पर जाले डाली थी इसी फंदे के हमारे यहाँ अब जाले डालने हैं, तो धागा आगे करके इस फंदे को सीधा बना देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और ये जो जाली से फंदा हमारा बना हुआ है इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए एक जाली हमारी यहाँ आ गई। ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको ऐसे लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद ये वाला उल्टा फंदा और ये वाला सीधा फंदा। तो धागा पीछे करेंगे और आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। अभी देखिएगा ये जो जाली से फंदा बड़ा हुआ है इसे हम पहले सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करके इस फंदे के एक जाली इधर और एक इधर आएगी, तो धागा आगे करके इसे हम सीधा बना देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और ये जो जाली से फंदा बन गया इसे सीधा बना देंगे, तो यहाँ हमारी जाली आ गई। अब देखिएगा ये जो फंदा है इसे इस तरह से लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। धागा आगे करके चार फंदे लास्ट के उल्टे। तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी चौथी सिलाई और उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई पर जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। देखिए फ्रेंड्स चार सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाइएगा इसकी पांचवी सिलाई और सीधी साइड पर। ये जो चार फंदे उल्टे हैं इनमें से अब हम तीन बनाएंगे। देखिए एक दो और ये तीन। धागा पीछे, ये वाला सीधा और ये उल्टा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। अब देखिएगा ये जाली से हमारे यहाँ पर दो फंदे बन चुके हैं तो इन्हें हम सीधा बना लेंगे, एक और ये दो। अब धागा आगे करेंगे और इस फंदे के यहाँ जाली बनानी है तो धागा आगे करके इसको सीधा बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करके और ये जो दो फंदे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे, एक दो। अब देखिए ये वाला जो सीधा फंदा है इसको इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, इस वाले को और इस उल्टे वाले को, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। अब धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। धागा पीछे करके ये उल्टा और ये सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारे फंदे घट रहे हैं और यहाँ जाली से हमारे बढ़ रहे हैं। देखिए ये जो दो फंदे जाली से बन गए इन्हें हम सीधा बनाएंगे, एक और ये दो। धागा अपनी तरफ करके यहाँ हमने जाली डालनी है तो धागा आगे करके इस वाले फंदे को सीधा बना देंगे। अब यहाँ भी हमने जाली बनानी है तो धागा आगे करके दो फंदे जो जाली से बड़े हुए हैं इन्हें सीधा बना देंगे, एक और ये दो। अब ये जो फंदा है इसको ऐसे लेंगे, पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। धागा अपनी तरफ करके लास्ट के तीन फंदे उल्टे। पांच सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाएगा इसकी छठी सिलाई। छठी सिलाई उल्टी है, जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। अब आ जाएगा इसकी सातवीं सिलाई और सीधी सिलाई पर। ये देखिए यहाँ जो तीन फंदे उल्टे हैं इनमें से अब दो फंदे उल्टे बनेंगे। देखिए एक और ये दो। धागा पीछे करके देखिए ये वाला उल्टा और ये वाला सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा बना देंगे इस तरह से। अब ये जो जाली से हमारे यहाँ तीन फंदे बढ़ चुके हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे, एक दो और ये तीन। धागा आगे करके अब इस फंदे के इधर जाली होएगी और एक इधर होएगी, तो धागा आगे करके इस फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा वापस अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे, देखिए एक दो और ये तीन। अब ये वाला फंदा इसको ऐसे लेंगे, पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के देखिए दो का एक कर देंगे। अब एक फंदा उल्टा, धागा आगे करके ये फंदा हमने उल्टा बना दिया, धागा पीछे ये सीधा और ये उल्टा।
आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। अब देखिएगा एक दो और ये तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। अब धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे, तो यहां हमारी जाली हो गई। फिर से धागा आगे करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे, धागा आगे करके लास्ट के दो फंदे उल्टे। सात सिलाइयां फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाएगा इसकी आठवीं सिलाई। आठवीं सिलाई उल्टी है, जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हो आप इसके वैसे ही बना लीजिए। आठ सिलाइयां बनके कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाएगा इसकी नौवीं सिलाई। नौवीं सिलाई पर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। देखिए ये जो हमारा पहला फंदा है, अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये वाला उल्टा और अगले वाला सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दो फंदे का एक बना देंगे इस तरह से। अब देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे जो हमारे जाली से बढ़ गए हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे। देखिए एक दो तीन और ये चार, ये देखिए फ्रेंड्स यहां से फंदे घट गए हैं और यहां हमारे बढ़ गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस वाले फंदे को इस तरह से सीधा बना देंगे, तो यहां हमारी जाली आ गई। फिर से धागा आगे करके और चार फंदे सीधे, देखिए एक दो तीन और ये चार। अब देखिए कैसे करना है। एक फंदा ये सीधा है, बीच में एक उल्टा है और एक ये सीधा है, इन तीनों का हमने एक करना, लेकिन कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ये जो बीच में उल्टा फंदा है पीछे की साइड से इस तरह से इसमें पहले सिलाई डाल लेना, और ये जो आगे सीधा फंदा है इसको इस तरह से उतार के अब पहले इसको डालना है और इस बीच वाले को पीछे से लाकर इन दोनों के आगे करना है। धागा हमारा पीछे रहे, आगे की साइड से सिलाई डाल के अब इन तीनों फंदे का एक फंदा सीधा बना देना है। तो देखिए इस तरह से यहां हमारी ये डिब्बी बंद हो गई है। अब एक दो तीन और ये चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करके इस फंदे को हमने सीधा बनाया तो एक जाली यहां गई, धागा आगे करके चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। ये वाला जो फंदा है इसको इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे और धागा आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा हो गया। अब आ जाइए इसकी दसवीं सिलाई। दसवीं सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी, क्योंकि अब इसमें कोई भी फंदा बीच में हमारा सीधा नहीं है, तो इसे मैं उल्टी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दस सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन कम्प्लीट होता है। इसमें आगे फिर से हमने यही दस सिलाइयां रिपीट करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। ये देखिएगा ये जो जाली है वो हमारी यहाँ आ जाएगी और ये जो पार्ट हमारा हमने यहाँ बनाया था वो इस वाले पोर्शन के ऊपर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं सेकंड वाला आपको पूरा बनाकर दिखाऊंगी, जैसे कि जब हम आप इसे अप्लाई करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा। ये पहला फंदा अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिएगा, मैं इसे उल्टा बनाती हूँ। धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके ये वाला जो फंदा है इससे हम इस वाले को, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कैसे बनेगा। देखिए एक फंदा हमने उल्टा बनाया, एक हमने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, इस वाले फंदे को इस तरह से लेंगे, पलट के इसको पहले सीधा करेंगे इस फंदे को, क्योंकि अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ रहे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बनाना है। तो देखिए धागा अपनी तरफ है और दो का एक किया हमने, तो यहां हमारी देखिए जाली से फंदा बढ़ गया है। अब हमने क्या करना है, जो फंदे हमने यहाँ सात सीधे उल्टे बनाए थे वही यहां पर बनाने। तो धागा अपनी तरफ करके सात फंदे उल्टे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन और देखिए ये जो जाली वाला सीधा है ये चौथे नंबर का फंदा इसका उल्टा बनेगा, चार पांच छ और ये सात। अब धागा पीछे करेंगे, देखिए ये वाला और ये वाला इन दोनों फंदे का एक बना देंगे। देखिए इस तरह से पहले दो का हमने एक किया,
अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो तीन फंदे का एक किया है, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए इसके एक जाली इधर आ गई। धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। अब फिर से सात फंदे उल्टे बनाने हैं। तो धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और देखिए एक दो तीन, और ये देखिए जो सीधा फंदा है ये चौथे नंबर पर उल्टा हो गया। देखिए चार पांच छह और ये सात। अब धागा पीछे घुमा दीजिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा कर देना। अब धागा अपनी तरफ करके लपेट के इस तरह से जाली बना सकती हैं या फिर आप इस तरह से कर सकती हैं। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, दो का एक करने के बाद लपेट कर भी बना सकती हैं और इस तरह से आगे धागा करके इस वाले फंदे को आप सीधा भी बना सकती हैं। जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। धागा आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा। उल्टी सिलाई पर फिर से हमने वही करना है, जो फंदे यहाँ उल्टे बनाए वो यहाँ सीधे, जो यहाँ सीधे बनाए वो यहाँ उल्टे। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये पहला फंदा मैं उतारती नहीं हूँ, हमेशा उल्टा बनाती हूँ जो सिलाई में बेटर रहता है। अब देखिए एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने उल्टे बनाए। धागा पीछे, अब सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात। धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए एक, ये हमने उल्टे बनाने हैं, दो तीन चार और ये पांच। पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे और फिर से सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात। धागा आगे करके अब चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। सेकंड वाले पार्ट की दो सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं और सेकंड वाले पार्ट की अब तीसरी सिलाई आ गई। तो देखिए कैसे बनेगी, ध्यान दीजिएगा। ये पहला फंदा है, इसे मैं उल्टा बना लेती हूँ। अब धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा और ये किएगा, जो हमारी जाली बनेगी वो इसी फंदे के यहाँ बनेगी। तो यहाँ पर आपने पूरा ध्यान रखना। देखिए ये फंदा सीधा बनाने के बाद आपको धागा आगे कर लेना है और ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसे सीधा बना देना है। तो देखिए हमारे इसी फंदे के साथ साथ जाली चलेगी। अब ये वाला जो फंदा है इसे इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। अब धागा आगे करके पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और ये पांच। धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। धागा आगे करके, सॉरी पीछे रखना है क्योंकि हमने जाली वाला फंदा पहले सीधा बनाना है, तो धागा हमारा पीछे ही रहे। ये एक फंदा जो जाली से बड़ा है इसको सीधा बना लिया और ये जो फंदा है इसके यहाँ अब जाली बनानी। तो धागा आगे करके इसे हम सीधा बना देंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और ये जाली से बने हुए को सीधा बना देंगे। अब इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। अब हमने पांच फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। धागा पीछे, ये उल्टा और ये सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स कैसे करना है, जो जाली हमारी डलनी है वो इस यहाँ डलनी है। तो ये जो जाली से बना हुआ फंदा इसे आप पहले सीधा बना लीजिएगा। अब धागा आगे करके इस वाले फंदे को इस तरह से सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करके ये लास्ट का फंदा आप उल्टा बनाइए या सीधा, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। उल्टी सिलाई है इसकी, सेकंड पार्ट की चौथी सिलाई है। जो फंदा जैसा दिखे वैसे ही बना लीजिए। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी सीधी सिलाई पर, देखिए कैसे करना है। ये पहला फंदा है, इसे मैं उल्टा बना लेती हूँ, धागा पीछे, और ये जो सेकंड वाला फंदा है इसे पहले सीधा बनाना है। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए ये जो दो फंदे हैं इन्हें सीधा बनाएंगे, एक
तो यहाँ हमारी जाली हो गई है धागा आगे करके बनाने से, और ये दो। अब ये जो फंदा है इसे इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। धागा आगे करके अब तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, धागा पीछे ये उल्टा और ये सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे और ये जो दो फंदे जाली से बन गए हैं इन्हें सीधा। अब धागा आगे करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ हमारी एक जाली और बन गई, धागा आगे करके ये दो फंदे सीधे, देखिए इस तरह से एक और ये दो। अब इस वाले फंदे को इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। अब धागा पीछे ये उल्टा और ये सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे और ये जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं एक और ये दो हमने सीधे बनाए। फिर से धागा आगे करेंगे और इस फंदे को जब सीधा बनाएंगे तो यहाँ हमारी जाली आ गई। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई पर जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आ गई है इसकी सीधी सिलाई और सेकंड पार्ट की सातवीं सिलाई। तो देखिए पहला फंदा उल्टा है तो मैंने उल्टा ही बना लिया, धागा पीछे, और ये वाला जो फंदा है इसे पहले सीधा बना लीजिएगा। अब धागा अपनी तरफ करके ये देखिएगा, ये जो जाली से हमारे तीन फंदे बन गए इन्हें हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारी जाली आ गई, एक दो और ये तीन फंदे हमने सीधे भी बना दिए। अब ये वाले फंदे को इस तरह से लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ये उल्टा और ये सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक बना देंगे। अब ये जो जाली से तीन फंदे बने हुए हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए इसी फंदे के यहाँ जाली बनानी, तो धागा आगे करके इस फंदे को सीधा बना देंगे। फिर से धागा आगे करके तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। इस वाले फंदे को इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ये सीधा और ये उल्टा, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे और ये जो जाली से फंदे हमारे बन रहे हैं ये हमारे सीधे बनेंगे। धागा आगे और इस वाले फंदे को जब सीधा बनाएंगे तो यहाँ एक जाली और आ गई है और लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाएगा इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाएगा इसकी सीधी सिलाई पर और सेकंड पार्ट की ये नौवीं सिलाई है। तो देखिए ये पहला फंदा और धागा पीछे करके दूसरे वाले फंदे के ये जो हमारे जाली से चार फंदे बने हुए हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए धागा आगे करके जब हमने सीधा बनाया तो यहाँ जाली आ गई, एक फंदा बन गया, दो तीन और ये चार। अब देखिएगा ये जो तीन फंदे हैं इन तीनों का हमने अब एक करना है। तो कैसे करना है देखिए, ये जो उल्टा फंदा है इसमें पीछे की साइड से इस तरह से सिलाई डाल लेंगे और ये जो आगे सीधा फंदा है इसको उतार के इस तरह से पहले डाल लेंगे और उल्टे वाले फंदे को पीछे से लाकर इन दोनों के आगे डाल देंगे, धागा हमारा पीछा रहे। और ये जो तीन फंदे हैं इन तीनों का एक फंदा सीधा बना देंगे इस तरह से। अब देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और इस फंदे को हमने सीधा बनाना है, धागा आगे, और जब इसको सीधा बनाया तो यहाँ हमारी जाली आ गई, धागा आगे, अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। अब देखिए ये सीधा फंदा है और ये उल्टा और ये सीधा, इन तीनों का हमने एक करना है। तो ये जो उल्टा फंदा है देखिए, इस उल्टे फंदे में पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे, सीधे वाले को इस तरह से उतार के इनके आगे डाल देंगे, धागा हमारा पीछे ही रहे। आगे की साइड से इस तरह से सिलाई डाल के इन तीनों फंदे का अब एक फंदा सीधा बना देंगे। तो देखिए हमारी ये डिब्बी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बंद हो गई है। अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये
चार धागा आगे करके अब इस फंदे को भी हम सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ हमारी जाली हो गई है। अब आ जाइएगा इसकी दसवीं सिलाई पर। दसवीं सिलाई सेकंड पार्ट की आ गई है, तो ये भी आपकी पूरी उल्टी ही बनेगी। तो इसे मैं धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को पूरी उल्टी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यही 10-10 सिलाइयां आपको बार बार रिपीट करनी है। अब जब तीसरी बार आप इस पार्ट को स्टार्ट करेंगी, तो जो यहां से हमने पहली बार शुरू किया था वो अब हमारा ऊपर शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये पांच फंदे उल्टे हो जाएंगे, दो का एक हो जाएगा, फिर इस एक फंदे के इधर भी जाली है और इधर भी जाली है। तो यही वाला पोर्शन आपको यहाँ तीसरी बार स्टार्ट करना है, और जब तीसरा पूरा हो जाएगा तो चौथी बार जैसे मैंने ये वाला बनाकर दिखाया, ये इस तरह से बनाएंगी। तो देखिए आपका ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस तरह से बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले देख सके। थैंक यू।